व्हाट्सएप का पोल फीचर रियल टाइम स्पेसिफिक आंसर्स के लिए या फिर वोटिंग के लिए काफ़ी यूजफुल है। सो आज के वीडियो में व्हाट्सएप पोल फीचर की बहुत ही यूजफुल सेटिंग्स बताते हैं, टिप्स बताते हैं। सबसे पहले व्हाट्सएप पोल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो पोल है ये आप किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट के साथ या फिर ग्रुप में क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए पर्टिकुलर चैट को ओपन करना है। चैट बॉक्स में आपको पेपर क्लिप का आइकन देखने को मिलेगा, उसको टैप करना है। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको पोल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसको टैप करना है। तो पोल जो है उसका क्रिएट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला जो बॉक्स है उसमें आपको अपना सवाल एंटर कर लेना है एंड उसके नीचे आपके जितने भी ऑप्शंस है ये आपको ऐड करते जाना है। अब यहाँ पर आपने जो भी ऑप्शंस ऐड किए हैं उसकी पोजीशन आप चेंज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो भी ऑप्शन है उसके बाजू में आपको 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस देखने को मिलेगी, वहाँ से ऊपर नीचे स्वाइप करके उसकी पोजीशन जो है आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ राइट साइड में सेंड का एक सिंबल देखने को मिलेगा, उस पर टैप करना है तो जो पोल है वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने जो भी पोल क्रिएट किया हुआ है उसका रिजल्ट भी आप चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, जो भी पोल है उसके सबसे लास्ट में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जहाँ पर लिखा होगा व्यू वोट्स, उसको टैप करना है तो जो भी रिजल्ट है ये आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे अगर आप किसी व्हाट्सएप पोल में वोटिंग करते हैं तो आपका जो वोट है आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से व्हाट्सएप का पोल फीचर आप यूज़ कर सकते हैं।